चल रही है दोस्तों। आ आ ती 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 कूट कूट के अलग कर रहे हैं। ये पहाड़ जो है दोस्तों, बारिश जब होती है दोस्तों तो पहाड़ का पानी, सारा पानी हम लोग को घर में घुस जाते आके दोस्त। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में मस्त और खुश होंगे। उन सभी भाइयों और दोस्तों को मेरा प्यार भरा दिल से नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय शंकर भगवान, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग्स में आप सभी को स्वागत करते हैं और देहाती ब्लॉग्स में भी आप सभी को स्वागत करते हैं। तो आज के ब्लॉग्स में देख सकते हैं आप लोग, साफ पीछे मंदिर है दोस्तों और पीछे बहुत बड़ा पहाड़ भी है दोस्तों। आप लोग को वीडियो में कई बार हम दिखा चुके हैं दोस्तों कि हम लोग पहाड़ी के नीचे रहते हैं दोस्तों, पहाड़ के नीचे ही हम लोग का घर है दोस्तों, देख सकते हैं इधर। अभी पहाड़ तो उतना अच्छे से सजे हरियाली नहीं हुए दोस्तों, अगर हरियाली हो जाता है दोस्तों तो बहुत जंगल बन जाता है दोस्तों, हम लोग को घर तरफ भी जंगल बन जाता है। और दोस्तों अभी परी सो के उठी हुई, बाबू तो मेरा स्कूल चले गए हैं दोस्तों पढ़ने के लिए, और अभी 8 बज रहे हैं और आप सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, प्रणाम। क्या परी, देखो ना परी उधर, देखो परी आज देर से सो के उठी हुई है, देखिए मुंह में देखिए ना कितना लग गई है कचड़ा। लार टपक गया ना परी, पूछो उसको, पूछो। तो देख सकते हैं दोस्तों इधर सामने मंदिर है और पहाड़ भी है। पहाड़ हम लोग जाते हैं लकड़ी उकड़ी लाने दोस्तों, तो वहाँ कई तरह का जानवर हम लोगों की नज़र में आते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। जैसे सबसे ज़्यादा सियार है, मोर है और भी कई तरह के जंगली जानवर है लेकिन कुछ करते नहीं है। ये पहाड़ जो है दोस्तों, बारिश जब होती है दोस्तों तो पहाड़ का पानी, सारा पानी हम लोग को घर में घुस जाते आके दोस्तों, देख सकते हैं। इधर सामने मंदिर है, हम लोग पूजा पाठ यहीं पे करते हैं दोस्तों, महाशिवरात्रि बड़ा ही धूमधाम से मनाते हैं दोस्तों। और ये पहाड़ी जो है दोस्तों, इसका सारा पानी हम लोग को घर में आके घुसते हैं दोस्तों। और इसमें कई तरह का सब्जी भी उग जाते हैं पहाड़ी में, जैसे बस करेला, मशरूम और भी खेक्सा है, मतलब 2-3-4 तरह की सब्जी मिल ही जाते हैं हम लोग को पहाड़ी से दोस्तों। और लकड़ी तो हम लोग को रोज़ आना जाना होता है दोस्तों, लाते हैं लकड़ी। इस जंगल में सांप भी बहुत है, सांप तो नीचे आ जाते हैं हम लोग का घर तरफ, लेकिन आज तक किसी को कुछ किए नहीं है सांप महाराज। बहुत बहुत उन सभी को, नाग देवता को हम लोग दिल से एकदम प्रणाम करते हैं दोस्तों, देख सकते इधर। इधर सामने पहाड़ है दोस्तों और सामने स्टेशन भी है, देखिए इधर पीछे पहाड़ है, सामने स्टेशन है दोस्तों, ट्रेन लगी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। और सुबह सुबह घर में ढेर काम रहता है ना दोस्तों, इसलिए परी की मम्मी बोलते हैं तो उस समय आ नहीं पाती है। और इधर देख सकते हैं, इधर मेरा घर क्रिकेट का, उधर लाल लाल मिट्टी का घर है, पीछे से ले रहे हैं। इधर हम लोग पहाड़ी तरफ आए हुए हैं इसलिए घर के आगे हम नहीं दिखा पा रहे हैं, इधर देख सकते हैं इधर हम। और दोस्तों इस पहाड़ी में दोस्तों 4 हिरण छोड़े हुए हैं वन विभाग वालों ने दोस्तों। जब हिरण लोग को प्यास लग जाते हैं ना दोस्तों, तो इधर पानी की तलाश में आ जाते हैं हम लोग को घर तरफ। तो घर तरफ आते ही जानबे करते हैं आप लोग कितना डरपोक जानवर है, ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ सुनकर ही फिर से छलांग लगा के ऊपर चढ़ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है दोस्तों, इसलिए हिरण भी पानी पीने तो आते हैं लेकिन पानी पी नहीं पाते हैं। और हम लोग दे भी देते तो कैसे देते, वो हम लोग के नज़र में आते ही नहीं है, अगर आते भी है तो छलांग लगाकर तुरंत ऊपर चढ़ जाते हैं एकदम, इसलिए पानी नहीं पी पाते हैं हिरण लोग। तो शायद दूसरी तरफ चल गए हैं, लेकिन आते हैं रात में इधर हिरण। और दोस्तों इधर तो सांप तो आना जाना लगल रहता है, इधर रोज़ सांप देखने को मिल जाता है हम लोग को घर तरफ, पूरा नीचे तक चले जाते हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं किए। लेकिन मोर है ज़्यादा, मोर रहने के कारण से सांप भी कंट्रोल में रहते ही आ जाते हैं नीचे। क्या परी की मम्मी देख सकते हो उधर क्या कर रहे हैं जी, मुनगा का पेड़ लगा दिए हैं दोस्तों इधर। तो धूप ज़्यादा आ गया दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग घर तरफ, पहाड़ी तरफ आए थे हम लोग का घर ही यहीं पर है, पहाड़ी तरफ आए थे क्या हम लोग, यहीं धीरे रहते हैं पहाड़ी तरफ, क्या हाँ पहाड़ी इलाका का राजा है हम लोग। चलते हैं घर, अब पहाड़ों के नज़दीक से हम लोग घर आ गए दोस्तों।
और घर में इधर आए तो इधर बिकने आए थे पुदीना, देख सकते हैं ताजे ताजे एकदम हरे हरे और नाजुक पत्ते वाले पुदीना, तो 5 रुपए मुट्ठा मिल रहा था दोस्तों, तो ले लिए, देख सकते हैं इधर पुदीना। इसका हम लोग चटनी बनाने वाले, आम के साथ भी मिक्स करके बना सकते हैं, इमली के साथ भी मिक्स करके बना सकते हैं। तो हम लोग के पास अभी इमली रखे हुए हैं, इमली देख सकते हैं, इमली मिक्स पुदीना बनाएंगे दोस्तों एकदम खट्टा खट्टा, इसको सिलपट में पीस देंगे क्या जी। इधर परिक्रमा में माल पास आ रही है, देख सकते हैं इधर चूल्हे में रखकर। तो आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को, और देखिएगा हम लोग किस तरह एकदम देसी तरीके से पुदीना को चटनी बना देंगे एकदम अच्छी तरीके से, एकदम इमली डाल देंगे ज़्यादा ज़्यादा क्या जी, हो गया पक गया क्या उधर माल पास आ के देख सकते हैं। इसको हम निकाल देते हैं ठीक ना, ठीक है। इसको परी कहाँ गई, दुकान गई परी। पुदीना पत्ते को एक एक करके निकाल ले रहे हैं एकदम क्या जी, फिर मुर्गी का बच्चा इधर बाहर निकल गया, देखना कौआ लेके नहीं चला जाए इसका बचवा देख सकते हैं मुर्गी बच्चा चल रहे हैं दोस्तों आह आह ती 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 देख सकते इधर चल रहे हैं। चावल दे देना ए मनीषा, चावल दे दो मुर्गी को, जल्दी निकालिए इसका चटनी बनाइएगा। सब सब बना दीजिएगा क्योंकि इसका जड़िया लगा दीजिए, जहाँ हम लोग नहाते धोते वहाँ बढ़ जाएगा, लग जाएगा। आप ही बनाइए, हाँ आप ही बनाइए क्या परी, हाँ बनाइए जल्दी जल्दी, वो इमली छोड़ा रहे नहीं एकदम अच्छी तरह से धो लीजिए, कंकड़ उंकड़ रहता है भाई। पुदीना भी हो गया है, इधर पीसना बाकी है ना जी, पानी डाल। सारे दाने को अलग करना पड़ता है, तो कर लिए इमली के दाने, कूट कूट के अलग कर रहे हैं, थोड़ा सा लगा देते हैं ना ये सील वाला जो आसान हो जाता है, दब जाता है निकल जाता है फूल के ना। हाँ। सारे इमली के दाने निकाल लिए ना, हाँ, इसको पीस लेते, थोड़ा सा कठिनाई होगा पीसने में ना, थोड़ा सा लगता है, आम रहता तो एकदम क्लियर पीस आ जाता, लेकिन क्या कीजिएगा आज पुदीना में इमली मिक्स चटनी बना रही हूँ। सिलपट का पिसा हुआ चटनी बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों, खुद का हाथ का पिसा हुआ होता है तो बहुत टेस्टी लगता है। एकदम अच्छी तरह से नमक मिर्च भी डालना पड़ेगा, हाँ डाल दिए मिर्च, अच्छा हरी मिर्च डाल दिए ना, थोड़ा सा तीखा तीखा लगेगा तो अच्छा लगेगा। तो हम लोग को पुदीना की चटनी और इमली मिक्स देख सकते हैं दोस्तों एकदम बन के तैयार होने वाले हैं, बस एकदम टेस्टी और स्वादिष्ट बना रहे हैं पुदीना का चटनी ताजे ताजे। पुदीना जितना आप लोग भी अच्छा लगता है उतना खाने में, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा मेरा पुदीना और इमली का चटनी, किसको किसको पसंद है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो आम के साथ ही चटनी बनाते हैं क्या जी, हम लोग तो इमली के साथ बना दिए। नमक भी डाल दिए, देखिए इधर पीस के एकदम मही कर लिए, चटनी तैयार हो गया क्या जी, हाँ जब उठा लीजिए। तो आज के ब्लॉग से दोस्तों हम लोग यहीं रखते हैं, अगर आप लोग को ब्लॉग से अच्छे लगे होंगे तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा प्लीज, और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। परी परी बाय करो, इधर बोलो चटनी, आज हम लोग चटनी खाएंगे आज, चटनी बाय बाय दोस्तों।